हकीकत की दुनिया के महज़्ज़ब और काबिल एहतराम साथियों, हमारी हमेशा से यही काविश रही है कि हमारी हर वीडियो आप अहबाब की मालूमात में इजाफे का बायस बने और आपको दुनिया की हकीकत से वक्तन फवक्तन रोशनास भी करवाती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्राए अर्ज़ यानी ज़मीन जिस पर हम क़याम पज़ीर हैं के बारे में बताएँगे और इसकी हकीकत से आगाह करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साइंसदानों के मुताबिक ये ज़मीन जिस पर अल्लाह ताला की पैदा करदा तमाम मखलूकात ज़िंदगी के दिन बसर कर रही हैं, एक धमाके के बायस वजूद में आई। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि दुनिया की तमाम तर नेमतें अल्लाह ताला ने ही अपनी मखलूकात के लिए तख्लीक की। लेकिन ये अलग बात है कि आज का इंसान दुनिया में इस कदर मगन हो चुका है कि अपने खालिक हकीकी को भूलता जा रहा है, जो कि सरासर खसारे में है। मौजू की तरफ जाने से पहले हसब रवायत आप अहबाब से गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप अहबाब की खिदमत में पेश हो सके और आपको दुनिया की हकीकत से आगाह करवा सके। और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। तो चलते हैं मौजू की जानिब। हमारा आज का मौजू है ज़मीन की तारीख और इसकी हकीकत। ज़मीन निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा और कशफ सियारा है। ये तमाम शमसी सियारों में वाहिद सियारा है जहाँ ज़िंदगी वकू पज़ीर है। ज़मीन के वजूद के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जिनमें अहम नज़रिया बिग बैंग का है, जिसके मुताबिक 4.57 अरब साल पहले ज़मीन एक शदीद पिघले हुए मादे की सूरत में थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की फ़िज़ा में पानी जमा होता गया और इसकी सतह ठंडी होकर एक क्रिस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर इसके कुछ अरसा बाद चांद की तश्कील हुई। साइंसदानों का नज़रिया है कि मरीख सियारे का एक हिस्सा है, जिसकी कमियत ज़मीन का 10वां हिस्सा थी, अचानक ज़मीन से टकरा गया और इस तसादम के नतीजे में चांद का वजूद अमल में आया। फिर इसका कुछ हिस्सा ज़मीन के साथ मिल गया और कुछ अलग होकर खिला में बिखर गया, जबकि कुछ हिस्सा अलहदा होकर ज़मीन की सकली गिरफ्त में आ गया, जिससे चांद की बाकायदा तश्कील हुई। गैसों का अखराज और आतिश फिशानी का अमल शुरू होने से बुखारात वजूद में आए और बतदरीज ये बुखारात ठंडे होकर मायात की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसके नतीजे में समुंदर भी वजूद में आए। इस शदीद दर्जा हरारत पर होने वाले कीमियाई अवामिल से एक खुदकार मालिक्यूल तकरीबन 4 अरब साल पहले वजूद में आया और फिर इसके 50 करोड़ साल बाद ज़मीन पर मौजूदा तमाम हयात का मंबा वजूद में आया। फिर ज़ियाई तालीफ का इर्तका शुरू हुआ और ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी ने सूरज की रोशनी को बराह रास्त महसूस करना शुरू कर दिया। इस अमल से पैदा होने वाली ऑक्सीजन फ़िज़ा में जमा होना शुरू हो गई और कुर्राए अर्ज़ के बालाई हिस्से में यह ऑक्सीजन ओजोन में तब्दील हो गई। फिर छोटे छोटे खुलियों से बड़े बड़े खुलिए वजूद में आते गए और ये खुलिए मज़ीद पहचीदा हालत इख्तियार कर गए, जिन्हें यूकेरियास्ट भी कहा जाता है। फिर बतदरीज यक खिलवी आबादियाँ कसीर खिलवी आबादियों में तब्दील होती गईं और इन खुलियों का इन्हिसार एक दूसरे के लिए लाजम होता गया और तमाम खुलिए मुख्तलिफ कामों के लिए मुख़त्तस होते गए। इस तरह कसीर खिलवी जानदार का बाकायदा इर्तका पेश आया। फिर कुदरत ने ज़मीन की बलाई फ़िज़ा में मौजूद ओजून को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती तय बना दिया, जिसमें ज़मीन सूरज की मिजर शुआओं से महफूज होगी। ज़मीन की बुनियादी तौर पर 4 सतहें हैं, इनमें क्रिस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर शामिल हैं। क्रिस्ट सबसे ठंडी और सोल्ड तय है, जिसका डायामीटर 12,750 किलोमीटर है। तकरीबन ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा औसत समुद्री पानी की है और थोड़ा सा हिस्सा साफ यानी फ्रेश वाटर पर मुश्तमिल है, जिससे ज़िंदगियां मुस्तफीद हो रही हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन 5 घंटों और 48 मिनट में पूरा करती है। इस कुर्राए अर्ज़ पर कुल 7 बरेआज़म हैं, जिनमें सबसे बड़ा एशिया है, दीगर में अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका शामिल हैं, जबकि कुल ममालिक 195 हैं। इन तमाम ममालिक में सबसे बड़ा मुल्क रूस है, जो कि पूरी दुनिया का 11.5% हिस्सा घेरे हुए है और सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है,
जिसका कुल रकबा सिर्फ 0.2 मरबा मील है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो के आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।